मल्होत्रा जी, आंटी जी आप ये बताएं, आज के दिन करवा चौथ का है और आज सभी महिलाएं सज धज के पूजा पाठ करती हैं, चांद का वेट करती हैं, तो आप हमें ये बताएं कि चांद की पूजा किस तरह से करते हैं और व्रत कैसे खोलते हैं। चांद के मतलब हम जो थाली मतलब शाम को जो पूजा करते हैं, जो जल का लोटा होता है उसको रख लेते हैं, और फिर रात को दिया जो हमने जलाया था अभी, वो फिर रात को भी वही जला के और चांद को देखते हैं छलनी में। तो दिया तब तक जलते रहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी मतलब जला कहीं हो जाता है ठंडा तो जी। पर दोबारा घी डाल के फिर जला लो, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, तो बस फिर अपना छलनी में चांद देखते हैं, पहले चांद को देखते हैं, फिर पति को देखते हैं, और अपने चांद यानी कि अपने पति को देखते हैं और बोलते हैं शब्द, मैं अपनी भाषा में बोल देती हूँ, सिर धड़ी पैर खड़ी आखी मेरी माई नू सुहाग तेरी जाई नू, सिर धड़ी पैर खड़ी आखी मेरी माई नू सुहाग तेरी जाई। बहुत अच्छा। चंचड़े तकानी पीवा कत्ती ना अटान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई नई नाल पैन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीवा चंचड़े तो पानी पीना कभी ना कटेरी ना झूमी लगा फेरी ना सुत प्यारी पाई ना सुतड़ा जगाई ना नुठड़ा मनाई ना फैन प्यारी पीरा चल चले तो पानी पीना। आप जानते हैं कि आज करवा चौथ का दिन है, जो महिलाएं अपने सुहाग के लिए सुहाग अपने पति के दीर्घायु के लिए उनके सुख शांति के कामना करते हुए ये व्रत रखती हैं। अभी मैं उपस्थित हूँ सेक्टर 57 में, जिनका एसके मल्होत्रा जी का हाउस है, जहाँ पे
महिलाएं मिलके पूजा की है और यहाँ पे छोटा सा हंसने गाने एंजॉय करने का भी फंक्शन रखा है। आइए हम बात करते हैं ममता जी। मैडम आज जैसा करवा चौथ है तो करवा चौथ के दिन यहाँ पे इकट्ठे होके आप व्रत कर रखी हैं सारी महिलाएं मिलके, करवा चौथ का महत्व क्या है पहले ये बताएं। करवा चौथ का व्रत हम सभी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम है और हम व्रत जो अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं जी। बस भगवान से यही प्रार्थना करें सब हम स्वागत रहें, यही हमारी प्रार्थना है। मेरा नाम रेखा गोयल है। आप करते हैं ना जब स्वागत है तो पति के लिए व्रत रखते हैं तो इसलिए हम सदस्य के तैयार होते हैं। और पूजा के साथ साथ और क्या करती हैं? पूजा करते हैं, कहानी करते हैं, कथा करते हैं, इसमें मेन तो कथा का ही उद्देश्य है और बिना जल के हम व्रत रखते हैं। जी मैडम आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर स्वाति हूँ जी। ये मैडम आप आज करवा चौथ का व्रत रखी हैं, करवा चौथ का महत्व के बारे में बताएं मैम। जैसा कि अभी बताया उन्होंने कि करवा चौथ पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है जी। आज के दिन और क्या क्या करती हैं? हमारे यहाँ पर पूजा होती है शाम को जिसमें हम लोग कथा करते हैं और थाली फेरते हैं और सुबह उठ के सरगी करते हैं। उसके बाद हम लोग शाम के समय पूरा दिन फास्ट रखते हैं जिसमें निर्जल फास्ट होता है जिसमें हम पानी भी नहीं पीते हैं और शाम के समय हम लोग कथा करते हैं। शाम के टाइम जैसा कि लोग कहते हैं और आप भी करती होंगी, चांद की पूजा किस तरह से करती हैं? देखिए चांद को हमें अर्घ देना होता है जिसमें जब चांद दिखता है तो उसको जल दे के हम लोग उसके बाद अपना छलनी में पति को दे के उसके बाद हम अपना खाने पीने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैडम आप ये बताएं व्रत कैसे खोलती हैं आप? शाम को हम छत पे जाके पूजा करते हैं, जब चांद आते हैं तो शोर वैसे ही मच जाता है तो सभी छत पे पहुंच जाते हैं और फिर हम एक रीत होती है जिसमें बेलन के नीचे पैर रख के मम्मी एक कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर हम छाननी में पहले चांद को देखते हैं और फिर अपने पति को देखकर उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। सुमन, सुमन जी आपने भी व्रत रखा है? हाँ जी। स्टार्टिंग से व्रत के बारे में बताएं कैसे क्या करती हैं? सी वैसे तो व्रत हर को सब बता ही रहे हैं कि वो पति की लंबी आयु के लिए होता है, पर हर समाज का अपना अपना एक थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसे स्वाति ने बताया है ये सेम ही है। सुबह सरगी रख के फिर हम कहानी कहते हैं, ठीक है, फिर पानी पी के और फिर रात तक वेट करते हैं चांद निकलने का, उसके बाद हम चांद देख के और फिर अपना व्रत को खोल देते हैं। फीलिंग तो ऑफकोर्स अच्छी ही होती है, बट हाँ व्रत पूरी हुई और जो मनोकामना और जिस श्रद्धा के साथ हम रखते हैं वही मनोकामना होती है कि वो भगवान हमारे घर की सुख शांति और पति की लंबी आयु बनाए रखे।